यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ई साइन स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा जो मैंने पहले बताया था, कौन सा फंक्शन आपका जी डैश एक्स है और कौन सा जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा है और जिसका डेरिवेट करना है वो कौन सा है, तो ये मैंने बताया था। देखो, अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूँ तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपना जी एक्स है और ये जी डैश एक्स है। कैसे, तो एक काम करते हैं, इसको ना यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको डेरिवेट करते हैं। डी ओपन में डी एक्स, ये क्या होगा, टू साइन एक्स कॉज एक्स डी ओ अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला होता था आपने ये पढ़ा होगा अभी बहुत सारे चैप्टरों में, तो ये होता है सॉरी साइन टू एक्स। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे लिखूँगा साइन टू एक्स डी ओ अपॉन में डी एक्स, ये आ जाएगा साइन 2x dx is equals to du। तो मैं इस पूरे की जगह पे du लिख दूँ, है ना, यहाँ पे तो मैं लिखूँगा e, मैंने यहाँ पे u माना था, तो ये हो जाएगा du। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली सेम ही रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर x प्लस c, तो इस तरीके से आंसर आ गया जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। आपको बस जी डैश एक्स और जी एक्स पहचानना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यहाँ पे जो बी एग्जांपल है मेरे पास वो है साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब फिर से यहाँ पे आपको पहचानना है कि यहाँ पे जी एक्स कौन सा है, जी डैश एक्स कौन सा है। देखो, ये है आपका जी एक्स और ये है आपका जी डैश एक्स। ठीक है, और कैसे मुझे पता चला, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन एक्स को यहाँ पे यू मान लेता हूँ, तो ये अभी मैं इसको जब डेरिवेट करूँगा तो हो जाएगा कॉज एक्स डी यू अपॉन में डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स डी एक्स और ये डी। मैं इसकी जगह पे ये रख दूँगा, ये मैंने क्या माना यू, यू का स्क्वायर डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, थ्री अपॉन में थ्री प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना साइन की क्यूब एक्स प्लस थ्री प्लस सी, आ गया आंसर। ठीक है, तो फिर से क्या पहचानना था, जी डैश एक्स और जी एक्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं इसका। अब जो मेरे पास है थर्ड और लास्ट क्वेश्चन वो ये था, सॉरी एक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे फिर से पहचानो कि यहाँ पे जी डैश एक्स कौन सा है और जी एक्स कौन सा है। तो ये आपका जी एक्स है और ये आपका जी डैश एक्स है। कैसे, तो अगर मैं टेन एक्स को यू मान लूँ और उसको डेरिवेट करूँगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी ओ अपॉन में डी एक्स, तो ये अपना कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, तो मैं इसी जगह पे इसे रख दूँगा, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, इसको मैंने यू माना था du। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना du। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो du प्लस c, अब पावर इसको रख दो 10x प्लस c, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों को सॉल्व कर पाते हैं। बस आपको जी एक्स और जी डैश एक्स फाइंड करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे जो शो हो रहा है उसको क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं।